बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सो आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चीज़, वो उसको कहते हैं हम लोग करंट एजुकेशन इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में जो करंट एजुकेशन है उससे रिलेटेड हमें जो एमसीक्यूज चाहिए हम उसको डील करेंगे इसमें, क्योंकि पीपीएससी ने आज ही जो डेट है वो कैंसिल कर दी है, जो कि सेकेंड ईयर टेस्ट हो रहा था उसकी। सो उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज किसी भी आप यूट्यूब पे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ नहीं है। सो हम लोग विद द हेल्प ऑफ गूगल इसको हम लोग करेंगे, ताकि हमारे पास नए रिकॉर्ड्स आए। ठीक है, नई परसेंटेज जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऐड की है, सो या ऑफिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो वो हम उनको चेक करेंगे। सबसे पहला एक क्वेश्चन अक्सर आता है, हु इज द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। करंट मिनिस्टर ऑफ, जी ये शफकत महमूद साहब हैं, जो हमारे करंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान में हैं। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड क्वेश्चन की, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ये हम चेक करेंगे, ये कौन है। सो हम देखें, फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी शफकत महमूद साहब है, और प्रोफेशनल ट्रेनिंग पाकिस्तान के भी मिनिस्टर जो है वो शफकत महमूद साहब है। उन दोनों ने, उन्होंने मिनिस्ट्री कंबाइन कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। करंट मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, सो वो हमारे पास हैं जी शिबली फराज साहब, करंट मिनिस्टर ऑफ फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे जाते हैं, करंट मिनिस्टर ऑफ ऑफ एजुकेशन इन सिंध पाकिस्तान। सिंध में जो करंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, नहीं गूगल ने क्वेश्चन ठीक नहीं था, करंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन सिंध, तो वो हमारे पास हैं सैयद सरदार अली शाह। ये देखें, ये सैयद सरदार अली शाह है, ये हमारे पास करंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन सिंध है। फिर नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, करंट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन सिंध, तो वो हमारे पास आईटी मिनिस्टर जो है वो सैयद अमीनुल हक जो है वो करंट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कहाँ, सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं, करंट मिनिस्टर फॉर स्कूल एजुकेशन इन पंजाब। ओहो, करंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन पंजाब, तो वो हमारे पास है मुराद दास। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन नंबर, थिंक गूगल के साथ कुछ, करंट मिनिस्टर फॉर लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन इन पंजाब। अब इसको गूगल की वॉइस को कुछ हो गया। ठीक है, करंट मिनिस्टर, इसने लिस्ट लिख दी है। आई होप आप सबके साथ भी कभी कभी ऐसा होता होगा। अच्छा, करंट मिनिस्टर हमारे पास जो लिटरेसी या नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन के हैं, इधर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा हमारे पास, तो हमें क्या ओपन करना पड़ेगा, ये पीएनडी पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है, ये हम इसको ओपन करेंगे, शायद इसके ऊपर आ जाए। देखें, ये हमारे पास आ गए क्वालिटी, ये सारी इसने ऊपर एक पीडीएफ बनाई हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कहीं भी नहीं इसने एलोकेट किया हुआ कि करंट मिनिस्टर जो है हमारे पास लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन के पंजाब में कौन है।
राजा राशिद हफीज ये आ गए हमारे पास. ये हैं आजकल करंट मिनिस्टर ऑफ लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन के, राजा राशिद हफीज. नेक्स्ट, करंट मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान. अच्छा, हायर एजुकेशन के जो हमारे पास करंट मिनिस्टर हैं वो मिस्टर शफकत महमूदी हैं, और कोई भी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करंट मिनिस्टर फॉर स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन इन पंजाब. अच्छा, डॉक्टर रहमतुल्ला. ये इतना पूरी हिस्ट्री दे रही है, सो हम उनकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर लेते हैं करंट मिनिस्टर कौन है हमारे पास, इससे रिलेवेंट अचीवमेंट्स. जी, यहाँ की मैं थोड़ा सा सर्च आउट करना पड़ेगा. करंट मिनिस्टर जो है हेल्थ के हमारे पास पंजाब में है, वो आजकल है डॉक्टर यास्मीन राशिद. ठीक है, वो ही इन सारी चीजों को डील करेंगी. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन बलोचिस्तान. अच्छा, करंट मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन बलोचिस्तान. सो हमारे पास सरदार अब्दुल रहमान खेतनी जो है वो हमारे पास करंट मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो बलोचिस्तान में है. मिनिस्ट्री ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को हम सर्च करना चाहें तो हम क्या करेंगे. आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको गूगल पे क्यों सर्च आउट कर रही हूँ, क्योंकि इसकी लदा से मैं बना सकती थी स्लाइड, मेरे पास पड़ी हुई थी लेकिन वो कुछ इतनी अच्छी हालत में नहीं थी. सो हम यहाँ से जाके, इस रिपोर्ट से जाके सारा स्कोर चेक कर सकते हैं, इसके भी नहीं हमें जरूरत है. अब ये चेक करें, परमिशन इज समली मिनिस्टर किस चीज के हैं, राजा राशिद हफीज जो है हमारे पास मिनिस्टर हैं लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन के पाकिस्तान के. इसको मैं ले आऊंगी नीचे. ये भी हम चेक कर चुके हैं. यास्मीन राशिद साहिब है. अब करंट मिनिस्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन और सीएमए पूरन. अच्छा, ये देखो सोशल वेलफेयर और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के जो हमारे पास मिनिस्टर हैं बलोचिस्तान के, वो मीर अब असदुल्ला बलोच साहब है. ठीक है, ये देखें. अब अगर हम और नीचे जाएं तो हम चेक कर सकते हैं एजुकेशन से रेलिवेंट जो है. अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कॉलेजेस एंड टेक्निकल एजुकेशन के जो बलोचिस्तान के मिनिस्टर हैं वो सरदार यार मोहम्मद जिंद हैं, और स्पोर्ट्स एंड कल्चर के मिस्टर अब्दुल खालिक हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है. नहीं, इससे हमारा कंसर्न नहीं है. हमारा कंसर्न दो चीज़ों से था, वो हमने फाइंड आउट कर ली है. एक सेकेंडरी एजुकेशन कॉलेज और टेक्निकल के सरदार यार मोहम्मद है बलोचिस्तान में, और सेकेंड वन नॉन फॉर्मल बेसिक सोशल वेलफेयर के मीर असदुल्ला बलोच. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन केपीके. तो केपीके में हमारे पास ये सारी हमारे पास कैबिनेट की रिपोर्ट आ गई, हम इसी से चेक कर लेते हैं. अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया एलिमेंट्री एजुकेशन के केपीके में शाहराम खान है, और उसके अलावा हेल्थ एंड फाइनेंस के तैमूर सलीम खान है. ये देखें, ये शाहराम खान, और
हायर एजुकेशन के जो हमारे पास सेक्रेटरी हैं वो आयशा बानो हैं। और नेक्स्ट पे हम अगर हम चलें तो हायर एजुकेशन आर्चियर लाइब्रेरी कामरान खान बंगिश है, स्पेशल असिस्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि पीपीएससी से रिलेटेड है तो हम लोग ज़्यादातर पंजाब से पंजाब का चेक करते पंजाब का हम लोग चेक करते हैं कि पंजाब का कौन जी वो मुरादा सेकंड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, वो हमने पहले भी सर्च आउट किया था। और नेक्स्ट पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम ज्यादातर पंजाब से रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढते हैं या एचईसी से। अच्छा एचईसी का आजकल करंट जो है हमारे पास चेयरमैन कौन है? चेयरमैन करंट चेयरमैन करंट चेयरमैन ऑफ एचईसी, एचईसी का जो चेयरमैन है हम उनकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर लेते हैं। तो उस करंट चेयरमैन ऑफ एचईसी एट पंजाब। अच्छा जी गवर्नमेंट ने जो न्यू जो इंजीनियर अब अहमद फरूक बाजाई जो है वो हमारे पास हायर एजुकेशन के चेयरमैन है न्यू, कभी इनकी वेबसाइट पे मेंशन नहीं हुआ। ठीक है। और अगर हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेक्रेटरी की बात करें वो मिस्टर अरशद मिर्जा हैं। और ये हमारे पास इसके पास सारी डिटेल है। इन ये चेक करें ये यहाँ आ रहा है लेकिन अभी टॉप पे नहीं नाम गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का आजकल चेयरमैन कौन है एफपीएससी का? सो वो हम चेक कर लेते हैं। एफपीएससी का एफपीएससी के आजकल जो चेयरमैन है वो हुमैरा अहमद है, सेक्रेटरी फजल अब्बास मकीन है। और ये हमारे पास डिटेल है एफपीएससी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव ऑन करें सो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का मैंने कहा आपको इतना ज़्यादा अहम नहीं है या किसी भी और प्रोविंस का, बिकॉज वो जो है क्योंकि पेपर ही जो है पीपीएससी का है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का। मसूद अहमद ठीक है, वो हमारे पास क्या है आर्मी ऑफिसर है और साथ साथ क्या है पीपीएससी के आजकल चेयरमैन है। अब इनके सेक्रेटरी भी चेक कर लेते हैं। करंट सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन इन पंजाब चेक करें गूगल की करंट सेक्रेटरी सैयद जावेद बुखारी जो है हमारे पास करंट जो सेक्रेटरी हैं वो किसके हैं हायर एजुकेशन के पंजाब में। और नेक्स्ट हम चलते हैं उस स्लाइड्स की तरफ जहाँ मेरे पास कुछ परसेंटेजेस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। वो स्लाइड्स पे जाके कहते हैं हम लोग यहाँ पे आपको कोई भी किसी से चीज़ से रिलेटेड हो तो आप इस तरह उसको चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए मैंने आपको बताई हैं जो करंट एजुकेशन का सिनेरियो होता है उससे रेलिवेंट इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे हैं ये इस पे मेंशन थे क्योंकि इसकी इतनी क्लैरिटी नहीं है सो इसलिए मैंने इसको ना चेंज कर दिया। अब हमारे पास बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। द फेडरल गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड डैश फॉर द ऑन गोइंग एंड न्यू स्कीम फॉर एजुकेशन ड्यूरिंग ईयर्स 2019 to 20। तो वो हमारे पास जो 2019 से 20 तक का बजट था एजुकेशन के लिए एलोकेटेड था वो था 29,047 मिलियन रुपीज। और फिर नेक्स्ट पे उसने क्या एजुकेशन अफेयर और सर्विसेज के लिए फेडरल बजट कितना था
वो था 77.262। ठीक है, मैं आपको यहाँ इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये देखें, ये था और इसका हमारे पास इसका भी थर्ड ऑप्शन था। नेक्स्ट है द फेडरल गवर्नमेंट रिड्यूस एजुकेशन बजट बाय। फेडरल गवर्नमेंट ने एजुकेशन का बजट किस हद तक रिड्यूस कर दिया था, वो 20.5%। ये रहा ओवर डैश सेट असाइड फॉर स्कूल एजुकेशन इन सिंध एंड बजट 2009। सिंध में कितना बजट था, वो हमारे पास है 178 बिलियन एजुकेशन के लिए था। और सिंध गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए दिया कितना था, वो उन्होंने दिया था 140.832 बिलियन। उन्होंने भी रिड्यूस कर दिया था क्योंकि बाकी करप्शन तो करनी होती है हमारे इदारों ने। नेक्स्ट है 28। इन एनुअल बजट फॉर ईयर 19-20 का ही आएगा क्योंकि 19-20 का ही हमारे पास बुक है, उससे भी लेटेस्ट बुक नहीं आई है। और ये चेक करें, ये हमारे पास ने बजट मांगा है पंजाब गवर्नमेंट ने कितना एलोकेट किया था, तो पंजाब गवर्नमेंट ने 382.9 बिलियन रुपीस इसके ऊपर बजट दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन बजट ऑफ पंजाब। पंजाब में एजुकेशन का बजट जो था 18-19 में कितने परसेंट था, तो वो था हमारे पास 340 बिलियन था हमारे पास। ये फर्स्ट ऑप्शन है इसमें। सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन है, द एजुकेशन बजट इज हाउ मेनी परसेंट ऑफ टोटल बजट, वो हमारे पास 16.64% है। और केपी गवर्नमेंट ने हमारे पास कितना बजट दिया था, केपी के गवर्नमेंट ने 100 बिलियन दिया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हायर एजुकेशन के लिए केपी गवर्नमेंट ने कितना दिया था, वो 5,851 दिया था। तो उसके बाद केपी के गवर्नमेंट ने जो कितने परसेंट जो बजट जो है 19-20 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास। सो हमारे पास जो इन्होंने बजट दिया था वो दिया था 20%। 20% दिया था इन्होंने। फिर उसके बाद आता है एजुकेशन सेक्टर एंड पेंशन। बलोचिस्तान में इन्होंने कितना दिया था, बलोचिस्तान में इन्होंने 60 बिलियन दिया था, राइट। उसके बाद पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 17-18 जो लिटरेसी रेट बताता है, ये परसेंटेजेज आ गए, बजट खत्म हो गया है। तो लिटरेसी रेट पर पंजाब प्रोविंस का कितना था हमारे पास, अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें तो वो हमारे पास था 58% बजट, ओल्ड और न्यू, ठीक है। और अगर हम प्रोविंस पंजाब की लिटरेसी रेट की बात करें तो वो 59% था। और अगर 2017 कंसेंसस में लिटरेसी रेट सिंध का देखें तो वो हमारे पास था, सिंध का बजट फिर वो भी सिंध का भी और पंजाब का सेम था, 58-50, बस माइनोर सा डिफरेंट था, ज़्यादा नहीं था। और अगर हम केपी के गवर्नमेंट की बात करें तो केपी के का था सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट 88.6%। और बलोचिस्तान का हमारे पास जो है वो हमारे पास है 41%, सबसे लोएस्ट। और कैपिटल इस्लामाबाद का अगर हम लोग देखें तो वो भी कम है किससे, केपी के गवर्नमेंट से, 87% था। और जम्मू एंड कश्मीर का हम लोग चेक करें तो वो 74% था, पंजाब और सिंध से भी ज़्यादा। और गिलगित बल्तिस्तान का अगर हम लोग चेक करें तो उनका भी 72 था, ये भी पंजाब और सिंध से ज़्यादा है। और अगर ट्राइबल एरिया यानी कि फाटा की हम लोग बात करते हैं तो फाटा चूँकि अभी भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है तो उनका लिटरेसी रेट कम ही होगा, 28.4। और उसके बाद आता है पाकिस्तान का टोटल लिटरेसी रेट कितना था 1951 के कंसेंसस में, तो वो था 18%। लेकिन गुड नॉट बैड, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है, अब पाकिस्तान का लिटरेसी रेट हो गया 58%। और सीख पाकिस्तान के बनने के 4 साल बाद भी 18% था। अगर टोटल लिटरेसी रेट चेक करें हम 2008 के मुताबिक तो वह 62.3। और मेल लिटरेसी रेट था हमारे पास 72%, 2000.5%, और फीमेल था 51.8%, अभी भी बहुत कम है फीमेल लिटरेसी रेट। नेक्स्ट आता है 2018 की जो एजुकेशन लिटरेसी रिपोर्ट दी गई थी वो कौन सा पंजाब का डिस्ट्रिक्ट था। पंजाब
कि कौन से डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज्यादा थी लिटरेसी रेट, वो थी हरिपुर की। हरिपुर हजारा का आपने नाम सुना होगा, केपीके में है, उसका सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट था। और 18 की रिपोर्ट में सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ का था केपीके में, तो वो था कोहिस्तान में। और उसके बाद अगर हम 2018 की, कोहिस्तान जहाँ कोहिस्तान नमक भी इसको कहते हैं, क्योंकि वहाँ बाहर जितने भी आप कह लें स्टोन है उसके अंदर से नमक ज्यादातर निकलता है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बिस्मिथ क्लोराइड, ऐसी चीजें निकलती हैं। अगर सेकेंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट का कौन सा है, सबसे पहले पे पाकिस्तान का सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट है वो केपीके का डिस्ट्रिक्ट है हरिपुर, और सबसे कम केपीके में कहाँ है, पाकिस्तान में। और अगर पाकिस्तान का सेकेंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखें तो वो फैसलाबाद पंजाब में आता है। और 18 की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ था, बक्कस, ठीक है। और 18 की रिपोर्ट चेक करें अगर सिंध की, तो सिंध में सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ था, कराची में। डेफिनेटली कराची एक बड़ी सिटी है, ठीक है, और प्रोविंशियल कैपिटल है, सो उसका लिटरेसी रेट हाई भी होना चाहिए। और अगर सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट सिंध में चेक करें तो वो हमारे पास आता है साचौर डिस्ट्रिक्ट का। आपने ये बात रखनी है कि ये डिस्ट्रिक्ट है, सिटीज नहीं है, ठीक है। सिटीज के नेम जरूर है लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से लिटरेसी रेट निकल रहा है। और पंजाब बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ था, कोटा का। और अगर बलूचिस्तान का लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है, अवानम, अवानन का, ठीक है, अवानन डिस्ट्रिक्ट का। और गिलगित बलूचिस्तान में हाईएस्ट रेट कहाँ है, गंची में। और लोएस्ट रेट हमारे पास कहाँ है, दियामीर में, गिलगित बलूचिस्तान से। सो ये आज तक हमारा हाँ बीपीएससी करंट एजुकेशन सिनेरियो इन पाकिस्तान 18 से 19 और 20 की हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स है। सो अगर आपको हमारे ये काफ़ी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें कमेंट्स में। अगर आपको चाहते हैं कि हम इस तरह की मजीद वीडियो बनाएं तो हमें अपनी राह से अपने कमेंट्स में आगाह करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।